दोस्तों, आपकी भी स्किन अगर इसी तरीके से डल हो रही है और आपको अर्जेंटली कहीं शादी पार्टी या फंक्शन में जाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पार्लर भी नहीं जा सकते फेशियल कराने के लिए, तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए कि हमारा चेहरा इंस्टेंट ग्लो करे। तो मेरे पास आज एक आइडिया है जिससे आप इस तरीके की डल स्किन को बिना पार्लर जाए घर में ही चुटकियों में इंस्टेंटली ग्लोइंग स्किन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देख ही सकते हो दोनों में कितना फर्क है। इसके लिए मैं आज करने जा रही हूँ मिनी ग्लो फेशियल। उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा ब्लीच। तो ब्लीच आपके फेस पर ग्लो लाने के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट होगा। ये जो ब्लीच होता है ये आपके फेशियल हेयर के जो एक्चुअल शेड है उसको लाइट करने में हेल्प करता है और उस वजह से आपका फेस ग्लो भी करता है और साथ साथ थोड़ा सा ब्राइटनेस भी फेस पर आ जाती है। तो यहाँ पर मैं गोल्ड ब्लीच का यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्टिवेटर है, साथ में मैंने स्पैचुला ले लिया है और ये है इसका क्रीम। तो मैं यहाँ पर चूंकि स्पैचुला छोटा है तो 2 से 3 स्पैचुला भरकर मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास छोटा स्पून है तो आप एक छोटा स्पून से जो है ये क्रीम ले लीजिए। और इसमें हम एक जो ढक्कन इसका मिला हुआ है साथ में कैप, इसकी एक ढक्कन से थोड़ा सा कम अमाउंट में एक्टिवेटर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिए जिससे जो इसके दाने हैं ये क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अगर आप यूज करना चाहो तो आप पर्ल या फिर सिल्वर ब्लीच का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को टाई करने जा रही हूँ एक क्लचर से, क्योंकि अगर बालों में लग गया ये ब्लीच तो बाल भी जो है आपके गोल्डन हो सकते हैं, इसलिए बालों को पीछे बांधना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप स्पैचुला की हेल्प से भी अपने फेस पर इस तरीके से ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप फिंगर की हेल्प से भी बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से यूज करना है। तो इस तरीके से आप फिंगर की हेल्प से भी बहुत आसानी से ब्लीच को फेस पर फैला सकते हो। ब्लीच जो फर्स्ट स्टेप होता है फेशियल करने से पहले, चूंकि हम लोग यहाँ मिनी फेशियल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई मसाज नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रॉपर उसका जो है जो भी प्रोसीजर है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हमें इसको रखना है और उसके बाद वॉश कर देना है सादे पानी से। अगर आपकी स्किन डार्क कलर की है तो 10 मिनट रखिए और अगर आपकी स्किन थोड़ा सा लाइट शेड में है तो आप 15 मिनट के लिए इसको रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो ब्लीच लगाने के बाद ही फेस कितना अच्छा सा ग्लो करने लगा है। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा स्क्रब। तो यहाँ पर मैं लोटस हर्बल्स का ये स्क्रब ले रही हूँ। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेनुअल्स इसके अंदर होते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं। तो अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ये जो नीम वाला मैंने आपको दिखाया हिमालय का स्क्रब, इसको यूज़ कर सकते हो। इसके जो ग्रेनुअल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, तो आप आसानी से सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से आपको पूरे फेस पर अपने एंड नेक पर सर्कुलर मोशन में इस तरीके से लगाना है एंड लिप्स के अराउंड भी इस तरीके से मसाज करनी है। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो आप सादे पानी को भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर गुलाब जल का यूज कर रही हूँ। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्ट बनाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सादे पानी की जगह गुलाब जल का यूज कर रही हूँ। इसके बाद 3 से 4 मिनट हमें इसको अपने फेस पर अच्छी तरीके से रब करना है और लाइट हैंड से, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा आप रगड़ मत दीजिए, बहुत लाइटली इसको लगाइए और फिर इसको वॉश कर दीजिए। इसको वॉश करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे गुनगुना पानी, इतना गर्म पानी हो कि आप इसमें फिंगर डाल सकें, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा गर्म हो, और एक छोटी टॉवल को इसमें डिप करके अपने फेस पर स्टीम लेनी है हमें। तो हमें करीब 1 से 2 मिनट स्टीम लेनी है, उससे ज्यादा मत लीजिएगा क्योंकि उसकी वजह से फिर पोर्स काफी ज्यादा ओपन हो जाएंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। तो मैक्सिमम 2 मिनट आपको लेनी है स्टीम इससे। अगर आप चाहो तो सीधे भी स्टीमर से भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर इस तरीके से टॉवल से ले रही हूँ। तो मैं 1 से 2 मिनट मैंने यहाँ पर स्टीम ले ली है और एकदम फेस अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाता है, बिल्कुल ऊपर की जो डेड स्किन वगैरह होती है वो बिल्कुल निकल जाती है जो हम स्क्रब करते हैं उस वजह से, तो एकदम क्लीन एंड क्लियर फेस हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर लास्ट जो स्टेप है वो यूज कर रही हूँ, ये हमारा पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी एंड एलोवेरा वाला जो है फेस मास्क है। तो बहुत ही अच्छा है, इसको मैं जब भी यूज करती हूँ बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर आप कुछ भी मत करो सिर्फ इसको लगा लो तब भी बहुत ज्यादा अच्छा ग्लो आता है। इसका रिव्यू मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। और बीच में आपने देखा ही कितनी अच्छी सी अभी से ग्लो आ गया है फेस पर। तो मसाज की अगर आपको टाइम है तो आप बीच में मसाज ले सकते हो, बट यहाँ पर मैं चूंकि मिनी फेशियल कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने मसाज को स्किप किया है। और जब आपका जो है ये अच्छे तरीके से सूख जाए फेस मास्क, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, उसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज और करनी है कि आपको एक बर्फ का टुकड़ा लेना है, उससे अपने फेस को अच्छी तरीके से रब करना है जिससे कि जो भी पोर्स वगैरह ओपन हुए होंगे वो आपके श्रिंक हो जाएंगे और आपके फेस के अंदर स्किन के अंदर किसी भी तरीके की डर्ट या कुछ भी पोल्यूशन नहीं जाने पाएगा।
लास्ट में हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयली स्किन के हिसाब से, क्योंकि समर का टाइम चल रहा है, प्लम का ये मॉइस्चराइजर यूज किया है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई हैवी मॉइस्चराइजर या कोई क्रीम भी यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मिनी ग्लो फेशियल का कितना अच्छा ग्लो आ रहा है फेस पर। इसके बाद आप अगर सिर्फ लिपस्टिक और ओनली काजल भी लगा लेते हो तो भी आपका फेस बहुत ही अच्छे से ब्राइट दिखाई देगा। आप बिल्कुल ही तैयार हो किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो बात ही कुछ और है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड बने रहिएगा मेरे चैनल पर आगे भी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।